बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप अपना मोबाइल हो मोटरसाइकिल के जरिए चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैंने एक बार में एक वीडियो बनाई थी और वो उसमें काफ़ी टाइम लगता था, तो इसमें बहुत ही थोड़ा टाइम में ये चार्जर आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें बैटरी के साथ मैं डायरेक्ट आपको चार्जर जोड़ के दिखाऊँगा। सबसे पहले हमें यह चार्जर चाहिए होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से मिल जाएगा। और इसके साथ ये दो तारें आती हैं जो बैटरी के साथ लगती हैं, और इसके साथ ये दो केबल भी आते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए। और इसमें आप USB डाटा केबल जो है ना वो भी लगा के आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये एक बटन, हमें चाहिए होगा ऑन ऑफ़ के लिए, ताकि हम ऑन ऑफ़ कर सकें बटन के जरिए चार्जर को। ठीक हो गया, और ये बटन हमने यहाँ पे लगाना है शॉक के ऊपर। और हमें एक थोड़ी सी तार चाहिए ये चार्जर को जोड़ने के लिए। और हमने तार को सबसे पहले करना ये, हमने तार को इन इससे जो है ना इसके दो पॉइंट है बटन के साथ पॉइंट है इसके साथ जोड़ देना है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमने तार को बटन के साथ जोड़ दिया, अब देख रहे हैं। ठीक हो गया, और इसके अलावा हम ये बटन इसके ऊपर हमने टेप लगा दी ताकि ये तार निकल ना जाए। और हम बटन को यहाँ पे फिक्स करेंगे, हमने बटन को इस जगह पे फिक्स कर देना है। दोस्तों इस तरीके में आपसे आपके चार पाँच छः मिनट लगेंगे, ये आपका चार्जर तैयार हो जाएगा। पहले जो वीडियो बनाई थी इसमें काफ़ी टाइम लगा था, तो तकरीबन 15-20 मिनट आराम लग जाता था वो तैयार करने में। और वो जहाँ मैंने लगाया था वहाँ निकालने, वो समझे चोरी करने का भी कोई चार्जर बंदर निकाल के भी जा सकता था। यहाँ पे ये चार्जर भी सेफ़ रहेगा और आप मोबाइल को जेब में अपनी पॉकेट में रख कर सफ़र के दरमियान चार्ज कर सकेंगे। हमने बटन को यहाँ पर शॉक के साथ अच्छी तरह फिक्स कर दिया है। जी हमारा बटन फिक्स हो गया, और इसके बाद जो अगला प्रोसेस है हमने ये इसको हम टापा कहते हैं, तो ये साइड कवर कह लें, ये हमने खोलना है बाइक का। और इसके अलावा हमने ये चार्जर यहाँ लगा के इसके ऊपर टेप लगा देनी, इस जगह हमें चार्जर ये फिक्स करना है। इस जगह आप अगर चार्जर लगाएंगे किसी को नज़र भी नहीं आएगा, और आप किसी भी जगह इस चार्जर को इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। देखिए हमने टेप के साथ यहाँ पे फिक्स कर दिया है, अब हमने इसकी तारें लगानी है जो हमने जो बैटरी से लगनी होती ना तारें वो लगानी है। पहले हम ये दो तारें हैं चार्जर की, एक तार जो है हमने बटन के साथ जो लगाई है ना तार उसके साथ लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट के साथ दो बटन में से तारें आ रही है उसके साथ लगानी है, और ये यहाँ लग गई और ये तार बटन से होकर आएगी, और दूसरे बटन की जो दूसरी तार है ना हम इसको बैटरी के साथ लगा देंगे। इस तार को हम बैटरी के साथ लगा देंगे। इस चार्जर में पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, आप चाहे पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ लगा दें या नेगेटिव की तरफ लगा दें तो आपका चार्जर चार्ज करेगा, कोई मसला नहीं बनेगा। अगर आप किसी शॉप से लेते हैं तो उस पर अगर बना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर आपको एहतियात करना पड़ेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। और इसके अलावा हमने ये जो चार्जर की दूसरी तार है हम इसको बैटरी की दूसरी वायर के साथ जोड़ देंगे। देखिए हमारा तार लगी, हमारा चार्जर भी ऑन हो गया, हम ऑफ कर देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, तार सही तरह लग गए उसके बाद ऑन करेंगे। ये हमारी तारें लग गई अच्छी तरह और हमारा चार्जर बिल्कुल तैयार हो गया। तो हम आप बटन से जरिए यहाँ पे बटन से ऑन करेंगे चार्जर को, तो हमारा चार्जर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए चार्जर ऑन हो गया। अब हम यहाँ इसको किसी भी जगह आसानी से चार्ज कर सकते हैं अपने सफ़र के दरमियान। आप कहीं जाते हैं तो आपकी बैटरी नहीं ख़त्म होगी, बाद वक़्त बंदा कहीं जाता है दूर सफ़र पर तो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो वो शॉप वगैरह पर लगाता है, वहाँ पर बैठता है अपना टाइम ज़ाया करता है,
तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आप किसी भाई को कोई परेशानी ना हो सके तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकें अपना मोबाइल। तो इसमें आप USB केबल या डाटा केबल जो चार्जिंग केबल ये भी लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। इसको लगा के आप ये इसको लगाएंगे और इसके ऊपर निकाल के ना किसी भी जेब में रख के भी चार्ज कर सकते हैं। जो ये वाली तारें हैं छोटी थोड़ी लंबी इसकी लेंथ कम है तो ये तो ऊपर नहीं जेब में जाएंगी, तो इसलिए हमने डाटा केबल लगा ली साथ ताकि हम इस डाटा केबल के ज़रिए किसी भी जगह चार्ज कर सकें मोबाइल को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और जो हमारे चैनल पर न्यू है भाई और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह की बहुत ही अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर, अपडेट करता रहता हूँ। मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता। जो आप पहले भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, अगर पहले जो मैंने वीडियो बनाई है ना वो इंशाल्लाह आज से पहले कभी किसी ने नहीं बनाई होगी, तो मैंने खुद बनाई है। ठीक होगा, अब यहाँ से हम चार्जर को ऑन करके ये डाटा केबल हम मोबाइल के लगा के किसी भी जगह चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ दोबारा आ जाऊँगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।